सो लास्ट क्लास तक हमने यहाँ छोड़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज एम डॉट बी माइनस एम बी कॉस थीटा। इसमें फर्दर आप कुछ केसेस डिस्कस कर सकते हैं, जैसे केस वन, इफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल और ये ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अरे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या था भाई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? साउथ से नॉर्थ था, तो कुछ ये डायरेक्शन रहा होगा मैग्नेटिक मोमेंट। सो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों में एंगल कितना आ गया? एंगल इज 0 डिग्री। सो यहां जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माइनस एम बी कॉस 0, विच इज माइनस एम बी। भाई डाइपोल में इससे कम पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, दिस इज केस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये आप चैप्टर नंबर 1 से जानते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम डिसाइड करने का एक तरीका तो पैरेलल से होता है, और एक तरीका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से भी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो आप लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम केस। अगर मैं लिख रहा हूं डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल है, मींस फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। This is south, this is north, ये opposite direction. Angle बताओ ये कितना है? Magnetic movement of field 180 degree का angle. Potential energy आ गई minus mb cos 180. So potential energy आ गई plus mb. इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो सिस्टम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में टॉर्क के थ्रू भी देखा था, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के एक से रिजल्ट। आज पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में सीखे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। रिजल्ट में यहाँ डेराइव नहीं कर सकता, ये क्लास 11th में डेराइव करते हैं, तो लंबी डेरिवेशन हो जाएगी कि मिनिमम के लिए स्टेबल क्यों होगा। आपको यहाँ तो सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ये 11th का पोर्शन है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल। इसके बाद केस 3 देखिए, अगर डाइपोल परपेंडिकुलर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और ये डाइपोल लगा हुआ। आप बता सकते हो जरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम बी कॉस 90 विच इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम। चलिए भाई इतना नोट करिए, इतना नोट कीजिए। इतना रिप्लाई बताना है, फायदा मिनिमम है फर्स्ट केस में, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और इक्विलिब्रियम स्टेबल। भाई जल्दी जल्दी लिखो, बस शीबा और फिरदौस में लिखो। हम ना पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। चलो भाई सबने लिख लिया, रब करो। क्वेश्चन देखिए, अब बार मैग्नेट भाई आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा सर। हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट फाइव एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 10 Tesla. Calculate first part. Work done by bar magnet or work done by magnetic field
इन रोटेटिंग मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल, और ऐसे लिखो फ्रॉम कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या मतलब है कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? एंगल क्या होगा? कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ, एंगल थीटा वन जीरो होगा. टू, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सेकेंड, एक काम करो, फर्स्ट पार्ट में ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ले लो, आसानी होगी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल. सेकंड में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ले लो. ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन by magnetic field. नहीं आयान, एक टॉपिक हो चुका है इन प्रीवियस क्वेश्चन. न्यूमेरिकल ये फर्स्ट है, लास्ट क्लास पर ही बेस्ड है न्यूमेरिकल, तो कोई नई चीज नहीं है प्रीवियस पार्ट. थर्ड में कहता है हेंस कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. भाई वर्क डन अगर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालिए, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए इफ डाइपोल इज प्लेस at 60 degree with respect to field. Potential energy calculate कीजिए अगर dipole field की respect में 60 degree पे रखा हो. भाई शुरू हो दो. Work done के लिए तो ये expression use कर लो. Work done by external torque derive किया था minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. Theta 1 है 0 degree. थीटा टू है 180 डिग्री. करो जरा वर्कआउट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करिए जरा.
चलो कुछ आंसर्स तो है। चलो ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो मैं क्वेश्चन तो रफ कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस एम इज 5, बी इज 10, भाई थीटा टू 180 है, एंटी पैरेलल कर रहा है, इनिशियली पैरेलल था तो जीरो था, तो ये आ गया माइनस 50, माइनस 1, माइनस 1, बहुत बढ़िया, प्लस 100 जूल, ज्यादातर लोगों का मैच कर रहा है। सेकंड में पार्ट में कह रहा है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसी केस में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली नेगेटिव होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। सो यहां पर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड आ गया माइनस ऑफ 100 जूल, ये कम लोगों का सही है, फायका का ये सही है, आयशा ने उल्टा कर दिया, आयशा खानम का ये सही है, शाहीन का भी ये सही है, नायला का भी सही है। थर्ड पार्ट में वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कितना 100 जूल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बाद फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो आपको एम गिवन है 5, बी 10, कॉस 60 डिग्री गिवन, हाफ हो जाएगा, कॉस 60 इज हाफ, माइनस 25 जूल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मुझे यहां तक बताइए क्लियर है सर, भाई यहां तक क्लियर हुआ, किसी पार्ट में डाउट है? लिख लिया था ना सबने? एक क्वेश्चन और देखो, देखिए क्वेश्चन कहता है शो दैट मोशन ऑफ बार मैग्नेट in a uniform magnetic field
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज SHF. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट का मोशन SHM है, ये प्रूफ करना है. ऑल्सो कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. इसका टाइम पीरियड भी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए SHM प्रूव करने के लिए दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड में आपने एक बार मैग्नेट रख दी, ये समझ लो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसे करके रख दी बार मैग्नेट, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही आप इसे रखोगे इस पर एक टॉर्क काम करना शुरू करेगी जो इसे रोटेट कराएगी. अब रोटेशन की वजह से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. मुझे बताओ कि जब ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो एंगल कितना होगा? जब ये पैरेलल हो गया तो एंगल जीरो हो जाएगा. टॉर्क याद है किसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क डाइपोल पर? जब डाइपोल पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क ऑन बार मैग्नेट व्हेन इट इज पैरेलल अरे भाई टॉर्क, हाँ पायका ने सही बताया, पैरल. तो जो टॉर्क होगा टॉर्क विल बी एम बी साइन जीरो विच इज जीरो. तो जब ये बार मैग्नेट पैरेलल होगी तो इसकी ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगी दैट टॉर्क इज जीरो. टॉर्क इज एम बी साइन जीरो, जीरो टॉर्क एक्ट, वो फर्क नहीं पड़ेगा इस बार मैग्नेट. लेकिन ये ऐसे रोटेट हुई जैसी पैरेलल आई टॉर्क जीरो होगी, लेकिन ये इतना मोमेंटम गेन कर लेगा कि अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा. अब तो एंगल जीरो नहीं, अब तो कुछ एंगल आ गया, फिर टॉर्क एक्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, कोशिश करेगी कि डाइपोल फिर से फील्ड के पैरेलल हो जाए, ये फिर ओवरशूट कर जाएगा. जैसे पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है, ये डाइपोल की मीन पोजीशन है, पैरेलल है. मैंने पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया, मैंने डाइपोल को ऊपर डिस्टर्ब कर दिया, दोबारा से डाइपोल अपनी मीन पोजीशन पर आएगा जैसे पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर आता है. क्या क्या रुक जाता है यहाँ पेंडुलम? क्या ऐसा होता है कि पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाए? तो ये भी नहीं रुकेगा, ये भी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, यहां चला जाएगा, फिर टॉर्क एक्ट करेगी इसे वापस लाएगी. एंड इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग, बिल्कुल इसी तरह से ये रुकेगा नहीं, ओवरशूट कर जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, और ये बार मैग्नेट ऊपर नीचे हमेशा ऑसिलेट करते हुए आपको शो करना है दिस ऑसिलेशन इज SHM. बार मैग्नेट विल ऑसिलेट about its mean position simply means m is parallel to apni mean position ke about oscillate karega, jiska matlab sirf yahi hai ki m aur b ek dusre ke parallel. अब आपको शो ये करना है कि ऑसिलेशन SHM होगा, कि जो ऑसिलेशन है ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो व्हेन डाइपोल
और बार मैग्नेट। Is at angle theta. जब बार मैग्नेट थीटा एंगल पर है तो टॉर्क क्या होगी इसके ऊपर? अगर बार मैग्नेट एंगल थीटा पर है तो उसमें जो टॉर्क एक्ट कर रही होगी, ये टॉर्क होगी mb sin थीटा। और ये क्या कोशिश करेगी? दिस टॉर्क विल ट्राई, ये कोशिश करेगी हमेशा ये मीन पोजीशन पर आ जाए, मींस बी के पैरेलल हो जाए। दिस टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन बार मैग्नेट अलोंग द, और यहां पर ना हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि ये टॉर्क रीस्टोरिंग है, दोबारा से बार मैग्नेट को फील्ड की डायरेक्शन में ले आता है। नेगेटिव साइन बताएगा दैट टॉर्क इज रीस्टोरिंग, इसको ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क बताता है नेगेटिव साइन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन लेते, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर मैं ये ले लूं कि ये जो ऑसिलेशन है बार मैग्नेट का, दिस ऑसिलेशन इज स्मॉल, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इसे वापस अपनी जगह लेकर आता है, रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव लगा दे। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन थीटा को थीटा लिख दे, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा माइनस एम बी थीटा। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ एस एच। This is equation of SHM. अभी जो equation 2 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, equation 2 can be written as tau is equal to minus of k theta. Equation 2 को tau equal to minus k theta लिख सकते हैं, जहां पर k होगा is equal to m. तो यहां से के आ गया, के को कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। इतना लिख लो, बीच में अगर कोई डाउट है या तो भी बताते रहो, इतना लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बताते रहिए। भाई सबने लिख लिया,
चलिए इसके बाद एक और काम रह जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। किसी को याद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं एसएचएम में? ये काम 11th में आपने सिंपल पेंडुलम के लिए किया था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है के बाय आई, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ शिवा आपने फॉर्मूला सही बताया लेकिन टाइम पीरियड भी नहीं बताना अभी। टाइम पीरियड के लिए उसको यूज करेंगे शाहीन और शिवा जो बता रही। के कितना आया था? एमबी, एमबी बाय आई आर, यहां से ओमेगा मिल गया। अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, इट्स रूट ओवर एमबी बाय आई, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम। चलिए इतना लिखिए। ना लिख लो, फिर एक टॉपिक और है इसमें। चलिए इसको रख कर देते। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। जो इस चैप्टर में बचा है अर्थ मैग्नेटिज्म बेसिकली फिजिक्स कम जियोग्राफी का टॉपिक है। सो इसे अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी, इक्वेटर पोल्स वगैरह जो भी आपने क्लास 10 तक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो इसे फॉर द टाइम बीइंग मैं स्किप कर रहा हूँ। कुछ डेफिनेशंस ही अर्थ मैग्नेटिज्म में और कुछ है नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे मैं वो शीट तैयार कर लूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो शीट, उसके बाद समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। फिर इसके बाद एक टॉपिक हुआ करता था यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट ईयर तक एक टॉपिक और था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये अब सिलेबस में नहीं है, इस साल सिलेबस से हटा दिया गया, तो मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। इनफेक्ट सिलेबस से तो बार मैग्नेट वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें भी मेंशन है, कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ सेफ साइड होने के लिए मैंने आपको बार मैग्नेट पढ़ा दिया था क्योंकि कुछ चीजों में लिखा है सिलेबस में नहीं है, कुछ चीजों में था कि है, तो मैंने वो करा दिया इसलिए आपको पोर्शन टॉर्क वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एक पूरा टॉपिक है सिंगल, जिसमें हम पढ़ते थे डाया मैग्नेटिक क्या होता है, पैरा क्या होता है, थ्योरेटिकल टॉपिक था बहुत, फेरो क्या होता है।
अब ये सिलेबस से हट गया, तो इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसे हम यही छोड़। तो ये चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। फ्रॉम ट्यूजडे ऑनवर्ड्स हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको दिख रहा होगा सिलेबस बहुत तेजी से वाइंड अप हो रहा है, आप लोग रिविजन क्लासेस में भी ध्यान दो, जो मंडे फ्राइडे में क्लासेस ले रहा हूँ आप उसमें रिवाइज करते रहिए। देखिए सिलेबस में ना जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, वो इलेक्ट्रोस्टैट है, करंट है, मैग्नेटिक्स है, उसके बाद सिर्फ एसी और ऑप्टिक्स बचता है जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऑप्टिक्स में भी आधा पोर्शन हटा दिया। आप लोग तो शुरू से कर रहे हैं, आपके लिए सारे स्कोर करना बहुत आसान होगा, सिलेबस आपके लिए बहुत कम है। इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह तो आप कई बार कर लो, सबसे टफ यहीं से बनेगा, वेटेज भी अब बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट का। जो मैं करा रहा हूँ मंडे फ्राइडे, जितनी बार आप कर सकते हैं कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज में से कुछ डाउट्स हैं आपके तो बताइए। नायला मंडे फ्राइडे 7-8:30, 7 to 8:30 मंडे एंड फ्राइडे। मीटिंग आईडी वही 64 वाली जो मीटिंग आईडी है यूजुअल, वही मीटिंग आईडी। इसमें अभी मैं चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ, कैपेसिटेंस शुरू करना है मुझे, कहिए जितनी बार करने आप अच्छा है। चौथी पांचवी बार करा रहा हूँ मैं सेशन में, अभी शायद एक आध बार और एक बैच बनेगी उसमें भी कराऊंगा। जितनी बार आप कर लें शुरू के 3 चैप्टर्स उतना अच्छा है आपके। तो चलिए आज मुझे इसके आगे कुछ नहीं कराना, डाउट्स ले लेते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स हैं मुझे बताइए, डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। शिवा फिर एक रिवीजन क्लास सैटरडे संडे होती है 12:30 to 2:30। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहती हैं तो फिर ये असल में ऑर्किड की क्लास नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी मीटिंग आईडी बता दूंगा, इसकी मीटिंग आईडीज वगैरह सब अलग, इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए, और जिसका डाउट नहीं हो मीटिंग छोड़ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अभी उसमें तो वही सेकंड चैप्टर जो चल रहा है, जो आप कर रहे हैं शाम को, वही चीज है। किसी का कोई डाउट नहीं है तो यही छोड़ता है, ट्यूजडे कंटिन्यू करेंगे। बेरा अभी तो एक बैच और बनेगी, तो फिर उसमें चैप्टर 1 आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, परेशान मत हो। चैप्टर नंबर 2 कर लो, चैप्टर नंबर 1 मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 भी मैं 4 बार करा चुका हूँ, 1-2 बार और कराना ही है, हो जाएगा, उसकी टेंशन मत। हाँ ना, आपको भी जैसे मैं फिर चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा किसी बैच में बता दूंगा। चैप्टर 3 के बाद मुझे फिर 1 स्टार्ट करना है। 1 और 2 की, 1 की ज्यादा टेंशन मत लिया करो, 1 तो कई बार होता है साल। 3-4 ये वो चैप्टर्स हैं जो कई बार होना मुश्किल होता है, 1 तो कई बार मिल जाता है। चलिए आज यही छोड़ते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी का तो ट्यूजडे से कॉन्टिन्यू।